हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी खजूर का केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी होता है ये केक। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसको हम बनाएंगे ब्लेंडिंग जग के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर दो अंडे डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1.5 कप ऑयल डालेंगे। 1.5 कप पाउडर शुगर। और इन तीनों चीज़ों को अब हम ब्लेंड कर लेंगे। दो से तीन मिनट के लिए आपने इसको ब्लेंड करना है। इसको एक साइड पे कर देंगे और एक बॉल ले लेंगे हम लोग। इसके अंदर छन्नी रखेंगे। 2 कप मैदा इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 साइड फोल्डिंग करनी है आपने। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून वलीना एसेंस डाला है और तकरीबन 2 चुटकी मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब खजूरें ले लिए हैं मैंने और इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं और इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ज़्यादा छोटा नहीं करना। सिर्फ इतना ही साइज़ आपने रखना है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना, वरना वो केक के अंदर मेल्ट हो जाएंगे और केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और एक बेकिंग ट्रे लेंगे। उसके अंदर ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ऑयल के साथ इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, साइडों से भी ग्रीस करेंगे। और ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले रख दिया है। अब इसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर लगाकर दोबारा से ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे। मिक्सचर को बेकिंग ट्रे के अंदर डाल देंगे और इवनली आपने हर कॉर्नर के अंदर इवनली इसको स्प्रेड करना है। अब इस तरह से मैंने खजूरों से ऊपर से डेकोरेशन कर ली है। आप भी इसी तरह कर सकते हैं या फिर कोई और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हम इसको ओवन में रखेंगे 180 डिग्री टेम्परेचर पे 25 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो जी 25 मिनट हो चुके हैं और केक हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब हम टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ड्राई निकली है बाहर, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी निकली है। इसका मतलब कि केक हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अंदर से। और ये देखिए कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको ठंडा करने के बाद हम इसको कट करेंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। इसके कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे। तो मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ साथ ही। देखिए कितनी अच्छी बैक साइड से भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये कितना ज़्यादा फ्लफी है।
हम इसको सीधा कर लेंगे। इसकी कटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है केक। और अभी तक ये गर्म है अंदर से, ये देखिए जो खजूरें हमने अंदर डाली थी वो भी नज़र आ रही है। अगर हम उसको ज़्यादा छोटा कर देते तो फिर ये चंक्स ना हमें नज़र आते, ऐसे ये मुंह में आती हैं और अच्छी लगती हैं। जी उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा केक पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।